आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। योग गुरु बाबा रामदेव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बाबा रामदेव एक नए वाहन की पूजा करवा रहे हैं। इस दौरान बाबा रामदेव वाहन के बोनेट पर शुभ फल का प्रतीक स्वास्तिक चिन्ह बना रहे हैं, लेकिन स्वास्तिक चिन्ह बनाते हुए बाबा रामदेव अटकते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि स्वास्तिक चिन्ह सनातन परंपरा में शुभ कार्य की शुरुआत और उत्तम फल को दर्शाता है, लेकिन इसे बनाने की अपनी धार्मिक प्रक्रिया है, जिसमें स्वास्तिक की मुख्य लाइनें एक एक कर चारों दिशाओं से शुरू होकर एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। इसके बाद हर लाइन को सिरे से विपरीत दिशाओं की ओर आगे बढ़ाया जाता है। स्वास्तिक की लाइनें कभी भी क्रॉस नहीं करती, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो पर अब लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बाबा ने स्वास्तिक चिन्ह बनाने में कई गलतियां की हैं। उन्होंने न केवल स्वास्तिक की लाइनों को क्रॉस किया बल्कि उन्हें गलत दिशा में भी खींचा। इतना ही नहीं, बाबा रामदेव ने स्वास्तिक की एक गलत लाइन भी खींच डाली, जिसका एहसास होते ही उन्होंने उसे मिटाकर दोबारा ड्रॉ किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।